अज 30 सितंबर है और पोर्टल ते वो जानकारी भी आ चुकी है जिहड़ियां सीट्स खाली ने, वीकेंड सीट्स खाली हैं। और दूसरी जानकारी के दूसरी काउंसलिंग विच पार्टिसिपेट करन वाले किहड़ा विद्यार्थियों ने 1000 पे करना है, किहड़ा ने नहीं पे करना। हुण दो तरह के कैंडीडेट ने, इस नूं असीं बाद विच पढ़ लैंदे हां। पहला मैं इस तरह समझाउण की कोशिश करदा हाँ, आसान हो जाएगा। नंबर एक के फस्ट काउंसलिंग विच तुसी पार्टिसिपेट कीता सी, फस्ट काउंसलिंग विच पार्टिसिपेट करन तो बाद तुसी चॉइस फिलिंग कीती सी, चॉइस इत्थे लिख दिता मैं चॉइस, है ना, चॉइसिस तुहाडी चॉइस हो सकती सी 1, 2, 3, 4, 10 तक हो सकदियां सी। जेकर तुहानू पहली चॉइस मिल गई सी ओके, ते ओ तुसी हुण शिफ्ट करना चाहुंदे हो, शिफ्ट करना चाहुंदे हो, तां तुहानू 1000 रुपया पे करना पएगा। जेकर तुहानू दूजी, तीजी, चौथी, दसवीं चॉइस मिली हुई है, इहदे बारे जानकारी नहीं है, सिर्फ इन्ना लिखा है कि जिन्हां ने सिर्फ पहली चॉइस जिन्हां नू मिल गई सी उन्हां नू शिफ्टिंग दा 1000 रुपया पे करना पएगा। बाकियां नू किसे नू भी 1000 रुपया क्रॉस कर दिता कि नहीं पे करना पएगा। सो सैकेंड काउंसलिंग विच तुसी रिपोर्ट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल ये फस्ट काउंसलिंग विच सी, ए इन्होंने रिपोर्ट किया है जां नहीं किया है इस बारे कोई जानकारी नहीं है। फस्ट चॉइस मिल गई सी ते ए होर कॉलेज जाना चाहते हैं तो 1000 रुपया लगेगा। वैसे तुसी जो तो फॉर्म फिल करना है, तुहाडा केस आना है, उस तो ही तुहानू आ जाना है कि 0 पे करना है जां 1000 रुपया पे करना है। दूसरी गल है कि जेडे बच्चों ने रिपोर्ट किया ही नहीं है, हुण है कि रिपोर्ट रिपोर्ट आइदर यस किया है, है ना, नो किया है, जिन्होंने कोई रिपोर्ट ही नहीं किया, पर उन्हां दी फस्ट चॉइस सी, उन्होंने 1000 रुपया देना पएगा। फस्ट चॉइस वालों सीधा है 1000 देना पएगा, बाकियों कुछ भी पे नहीं करना पएगा। हाँ, इस बारे जानकारी क्लीयर नहीं दिखती कि जे तुसी सैकेंड विच सीगे ते रिपोर्ट कर दिता सी, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो ते रिपोर्ट कर दिता सी कि 1000 रुपया देना पएगा, पिछली बार देना पिया सी, इस बार इस इंस्ट्रक्शन तो ये लगता है कि नहीं देना पएगा। इस नूं आपां पढ़ लैंदे हां, तुसी इस दी इंटरप्रिटेशन खुद भी कर सकते हो। All those students who are interested to participate in second centralized online counseling of B.Ed. admission have to fill the fresh choices of colleges and major subject priority wise during the choice filling activity as per scheduled only. For example, schedule की है कि अज ते कल जिन्हां दे result नहीं सी आए उन्होंने marks upload करने हैं, है ना, जे हजे भी किसी दे नहीं आते चिंता करन दी लोड़ नहीं है, थर्ड काउंसलिंग च उन्हां नू मौका मिलेगा, लेकिन हजे होर कोई चारा भी नहीं है। हाँ, तुसी यूनिवर्सिटी मेल कर सकते हो, ठीक। सो तुसी 1 सितंबर तो 3 सितंबर तक असी चॉइस फिलिंग करनी है। ओनली दोज कैंडीडेट हैव टू पे शिफ्टिंग फीस ऑफ ₹100 who have got first choice during first counseling and if any other choice except first choice allotted to the candidate then they can participate in counseling without paying any shifting fee and fill the choice of college and subject priority wise directly as per schedule. So ithe eh nahi likhya ke report jinna ne सैकेंड, थर्ड, फोर्थ कॉलेज मिलिया सी रिपोर्ट कर दिता सी वो चेंज करना चाहते हैं तो कि उन्हां दी 1000 लगेगी कि नहीं, ये कोई जानकारी दिती नहीं गई। हुण असी देख लीए कि करना की है, तुसी अपना कैंडीडेट लॉग इन करना है, लॉग इन करके तुसी वेकेंट सीट मैट्रिसिस देख लिया होणगियां, प्रायोरिटी बना ली होएगी, है ना, ओरिजिनल सीट मैट्रिसिस भी देख सकते हो। लॉग इन करन तो बाद तुसी इत्थे पे शिफ्टिंग फीस इत्थे क्लिक करना है, पे शिफ्टिंग फीस इत्थे क्लिक करांगे, ए इत्थे ऑप्शन खुल जाएगी कि की प्रोग्राम केड़ा सिलेक्ट करना है, रेगुलर प्रोग्राम है जां स्पेशल प्रोग्राम है, उसकी जानकारी दिती हुई है। एक गल होर के शिफ्टिंग फीस नॉन रिफंडेबल है, तो शिफ्टिंग का यह अर्थ नहीं होएगा कि तुहानू जिहड़े कॉलेज तुसीं चाहुंदे हो उत्थे मिल जाएगी, ये एक चांस है जो 1000 रुपया दे के तुहानू मिल रहा है। 1000 रुपया इसलिए लिता जा रहा है कि तुहानू यही नहीं पता कि तुसीं फस्ट चॉइस जिहड़ी सी वो तुहाडी फस्ट नहीं सी
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिहड़ी तुहाडी फर्स्ट चॉइस सी उह तुहानूं हुण फील हो रहा है, इट मीनस तुसीं पहलां तों डाटा एनालिसिस नहीं कीता, कॉलेज जां सबजैक्ट जां सूटेबिलिटी जां डिस्टेंस जां कॉलेज बारे जानकारी प्राप्त नहीं कीती, जो वैबसाइट ते दित्ती सी, फिजिकल जाके भी कर सकदे सी, मैं गाइड नाल नाल कीता सी। हुण इफ ए कैंडीडेट इज इंटरस्टड टू शिफ्ट द फीस टू बी चार्ज is 1000 non refundable only candidate who were allotted first choice in the first counseling. If the candidate is interested to apply for second counseling and was not allotted any choice in the first counseling or was allocated any choice other than first choice in the first counseling, such candidate are not required to deposit the shifting fees and directly participate. ohi gal jehdi assi piche karke aaye haan, hai na, सो इन्हां दी कोई फीस नहीं लगेगी एक्स कैंडीडेट दी, जेकर फीस लगेगी इत्थे 1000 आ जाएगा, इत्थे पे क्लिक फीस दा ऑप्शन आ जाएगा, ओके पे फीस, पे फीस तो तुसी जाओगे फिर उस तरह ऑनलाइन जिस तरह तुसी फीस पे करदे हो उस तरीके नाल फीस पे कर देनी है। सो हुण जिवें ये फाइन पै रहा है एक तरह का कि फस्ट चॉइस सानू नहीं पता, इसलिए डिसीजन लैण लई मैं ऑनलाइन गल भी कर रहा हाँ, इसलिए कि तुहाडी चॉइस जो है 2 साल कट्टने हैं, टेंशन च ना कट्टो, तो तुसी एम जो अचीव कर सको जिहड़ा भी तुहाडा गवर्नमेंट जॉब का है, लाइफ दे एम दी नहीं गल कर रहा, लाइफ का एम तो होर तरह अचीव हुंदा है, लाइफ का एम भी कदे कदे सोच लेना चाहिए है कि मैं मरण तो पहला करना की चाहती हाँ, करना की चाहता हाँ। सो इत्थे जो है तुसी ये डिसीजन लैके फिर चॉइस फिल करनी है, 1-2 दिन तुहाडे कोल है, अपनी क्लीयर बना लो, है ना, तो जिंदगी सब कुछ नहीं मिलता हुंदा कि 100% बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, इदा नहीं है, है ना, मिल भी गया होएगा कईयां नूं अच्छी गल है पर जरूरी नहीं है। सो कॉम्प्रोमाइज कर लईदा हुंदा है कि इस मैनू ज़्यादा फायदा है और ये घट फायदा है, और ज़्यादा फायदे वाले नू चूज़ कर लीदा हुंदा है, 100% हर वक्त नहीं मिलता हुंदा, चॉइस फिलिंग करन तो पहला ये तुसी एनालिसिस करके बाकी सारी कार्रवाई कर सकती हो। जो हुण तक दी इन्फॉर्मेशन सी अपलोड कर दिती है, थैंक यू, अगे कोई जानकारी होएगी दे दांगा।